हेलो गेमर्स, मैं हाजिर हूँ उस वीडियो को लेकर जिसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही थी। इतनी टिप्स ट्रिक्स पता चली इन्फेक्शन मोड की डिफेंडर्स वाली, पर सब बेकार। कोई दरवाजे पे चढ़ने को कहता है तो कोई डब्बे के नीचे छुप जाने को बोलता है। हद तो तब हो गई जब किसी ने दीवार में घुसने को बोला, पर ये नहीं बताया कि उस दीवार से निकलेंगे कैसे। अब निकल ही नहीं सकते तो जीतना तो भूल ही जाओ। मैं बताता हूँ आपको वो सारी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप ज़ॉम्बीज को रुलाओगे भी, उन्हें थकाओगे भी और हर गेम जीतोगे। जो बोल रहा हूँ उसका प्रूफ भी देना जरूरी है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मगर इसके बाद डिफेंडर्स को ज़ॉम्बीज से कोई शिकायत नहीं रहेगी। उन सब गेमर्स को शाउट आउट जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला ये वीडियो बनाने का। ऐसे ही मोटिवेट करते रहो गाइस, मैं आपके लिए लाता रहूंगा और भी नई ट्रिक्स। तो एक प्रो डिफेंडर बनने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नंबर एक, दूसरे डिफेंडर्स की हमेशा मदद करो, अगर नहीं करोगे तो ज़ॉम्बी बनकर वो ही तुम्हारी जान के पीछे पड़ेगा। नंबर दो, फास्टर स्मार्टर थ्योरी, अगर वो फास्ट है तो तुम स्मार्ट बनो। नंबर तीन, सबसे हमेशा दो कदम दूर रहो, क्योंकि ज़ॉम्बी और वैंक्विशर बनने में इन्हीं दो कदम का फासला होता है। और नंबर चार, इन्हें तब तक दौड़ाओ जब तक ये थक के पानी ना मांग ले। सबसे पहले ये क्लिप देखते हैं, इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है। स्टेयर्स से ऊपर आने के बाद मैंने सीधा ए की तरफ जंप किया। अब इस ए के ऊपर जंप करने के बाद आपको इससे जंप ऑप्शन की तरफ होते हुए सी की तरफ जाना है। ये रूट आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। हर वो ज़ॉम्बी गेम जिसमें इनिशियली आपको थोड़ा वक्त मिलता है, उस वक्त में आपको यही प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि एक बार ये आपने प्रैक्टिस कर लिया फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक ऐसे ही आप इस तरफ निकलोगे, बी की तरफ पहुंचोगे, और यहाँ बी पहुंचने के बाद आपको इस तरफ से जंप करने की कोशिश करनी है। यहाँ इस नेक्स्ट बिल्डिंग में आपके पीछे ज़ॉम्बी हाथ धो के पड़े रहेंगे, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आप किस तरफ से किस तरफ पहुंच जाओगे। अब जैसे हमने यहाँ जंप किया तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो फास्ट है, स्मार्ट नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। दो तीन बार देखेंगे, इतने में उन्हें अंदाज़ा हो पाएगा कि आप किस तरफ जा रहे हो बार बार, और इतने में ये मैच ख़त्म हो चुका होगा। मुश्किल से 2-3 मिनट मिलते हैं ज़ॉम्बीज़ को आपको इन्फेक्ट करने के लिए। अब ये बार बार हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ पीछा करें। स्पीड चाहे इनकी ज़्यादा हो हमसे, लेकिन पाथ तो अपना हम ही चूज़ करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। अब देखिए वो फिर पीछे आए तो हम एक ही तरफ दोबारा जंप कर दिए यहाँ से। जितना हो सके इन्हें यहाँ स्टेयर्स पर रोकने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही वो वक्त है जहाँ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा डैमेज आप ए पॉइंट पर यहीं से दे सकते हो। यहाँ घुसने की तीन जगहें हैं, या तो सामने से आएंगे, या राइट साइड ऊपर से जंप करेंगे जहाँ से हमने किया, और एक्सट्रीम राइट साइड बिल्डिंग है, इससे जंप करने का ऑप्शन है। मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा अगर ज़ॉम्बी मोड वाला, ज़ॉम्बी ट्रिक्स वाला, तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ ये ही जगहें हैं जहाँ से ज़ॉम्बी कूद सकते हैं, बस आपको इन्हीं का ध्यान रखना होगा। अब कोशिश ये करनी है आपको वैंक्विशर बनते ही कि आप ज़्यादा ओपन में ना रहो, ऐसे एरियाज में रहो जहाँ पे आपकी तरफ एक ही साइड से ज़ॉम्बी आ पाए। अगर वो चारों तरफ से आएंगे तो एक बार में 4 लोग आपको डैमेज देंगे और आपकी हेल्थ 4 गुनी डिक्रीज होगी। आप कहीं भी रुको मत, घूमते रहो, कूदते रहो, यही एक चारा है। जितना बूस्ट ले सकते हो लो, नहीं मिल रहा तो निकलो, दूसरी जगह ढूंढो। जितनी भी ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इन बिल्डिंग्स के आसपास रहो, अंदर बाहर निकलते रहो, तभी आप ज़ॉम्बीज को मार पाओगे। आपकी जो सॉर्ड है वो 2 बार में ही एक ज़ॉम्बी को लेवल 1 या 2 ज़ॉम्बी को फिनिश कर सकती है, 2 से 3 बार में। बस आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो ज़ॉम्बी किंग है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग का इलाज भी यही है कि आप इनडोर्स के अंदर बाहर रहो। फिलहाल जो मेन ट्रिक है वो हम आगे चल के वीडियो में आपको बताएंगे कि वैंक्विशर से आप कैसे गेम जीत सकते हो। Battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted more.
तो यहाँ पे जितने भी जॉम्बीज हमारी तरफ कूदते रहेंगे, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, उन्हें मारते रहना है बार बार अपनी बंदूक से, क्योंकि यही तो गेम है। ऐसे ही तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको सिर्फ अपना डैमेज इंक्रीज करना है। फिलहाल बस आपको ये कोशिश करनी है कि आप उन्हें अपने नज़दीक मत आने दो। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे 2 कदम दूर रहो। ज़रा सा भी अगर आपको अंदाज़ा लगता है कि वो आपके नज़दीक आ सकते हैं तो चुप निकल लो वहाँ से, वहाँ रुकने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी आपको जंप पॉइंट्स मिले हुए हैं, इनका पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि आप तेज भाग नहीं सकते, लेकिन इनसे जॉम्बी और आप बिल्कुल सेम स्पीड पर कूदते हो, स्पीड का कोई अंतर नहीं आता। साथ साथ देखते रहो जॉम्बी कहाँ है। जैसे ही जॉम्बी का अंदाजा होता है कि वो करीब आ जाएगा, वहां से चुप निकल जाओ, दूसरी जगह ढूंढो। आपके पास ए से जाने का फिलहाल एक ही रूट है, सी की साइड आ सकते हो, या फिर एक सेकंड रूट है जो आप इन बिल्डिंग्स के अंदर घुसते हुए वापस स्टेयर्स पे पहुंच सकते हो, बी की तरफ पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको जो पहला रूट हमने अभी स्टार्टिंग में तय किया था, जिसकी मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोली, बस आपको उसी रूट का ध्यान रखना है। जितने ज़ॉम्बी मार सकते हो मारते रहो। अब ये जो हमारा पॉइंट सी है, इसमें ऊपर ब्लॉक पे खड़ा होना काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि वहीं से आप इजीली अगर ज़ॉम्बी नहीं बनते हो और कोई और बन जाता है, तो आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। वो रूट हमने फिर से फॉलो किया है, हम सीधा बी की तरफ पहुंच गए हैं यहाँ, और यहाँ जितने भी ज़ॉम्बी आते रहेंगे, अब ये फिर से पॉइंट आ जाएगा। ये सेम ही रिपीट कर रहे हैं हम, सिर्फ डैमेज गेन करने की कोशिश है। जैसे ही ज़ॉम्बी फिर से पास आएगा, चुप निकल लेना है दोबारा हमें यहाँ से हमारा जाने का सेकेंड रूट बी है। या तो हम यहाँ से बी जा सकते हैं, या फिर यहाँ से हम स्टेयर्स पकड़ के ऊपर से जंप के थ्रू जाते हुए ए पहुँच सकते हैं। अब जैसे ही ज़ॉम्बी पास आए, फिर दूर निकल लो और अपने आप अपनी सीढ़ी पकड़ लो इस बार। यहाँ से जाते हुए फिर जंप करोगे, दोबारा ए पे पहुंच जाओगे। ज़ॉम्बीज पीछे नहीं छोड़ेंगे, वो आते रहेंगे। ज़ॉम्बीज आते रहेंगे तो आप भी निकलते रहो। ज़ॉम्बी किंग पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा आप करें क्या। तो गाइज, यहाँ से अक्सर ऐसा होगा कि आपको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेंगे, फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। यही ऑप्शन बचता है कि आप इस बिल्डिंग के अंदर बाहर निकलते रहो, क्योंकि उससे आपको थोड़ा वक्त मिल जाएगा संभलने का। 2-3 ज़ॉम्बी एक साथ ही भागते हैं, तो वो फंस जाते हैं अक्सर इन छोटी बिल्डिंग में, क्योंकि हर कोई आपको पहले इन्फेक्ट करना चाहता है, तो वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब ये जो बी पॉइंट है, यहाँ से भी आपको पता ही होगा ज़ॉम्बी ट्रिक्स वाली वीडियो देखकर मेरी, कि कहाँ कहाँ से ज़ॉम्बी आ सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको उन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखना है बस, कि किन किन पॉइंट्स से ज़ॉम्बी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आपको उन्हीं पॉइंट्स पे अपना फोकस रखना है। कोई भी ज़ॉम्बी वहाँ से गलती से भी नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई ज़ॉम्बी वहाँ से निकला तो ही आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये आपका बैकअप प्लान है लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग, तो आपको किसी ज़ॉम्बी को यहाँ रुकने नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपका ये ही ओनली बैकअप प्लान है यहाँ से निकलने का। अगर कोई पीछे जाके बैठ गया तो फिर आप फंस जाओगे, इसलिए पूरी कोशिश करो कि कोई भी इस लेफ्ट बिल्डिंग में गलती से भी घुस ना पाए, क्योंकि यहाँ तो आफ्टरऑल आपको ही घुसना है। अब देखो कैसे ज़ॉम्बी किंग परेशान होकर लौट गया, और ये दूसरा ज़ॉम्बी भी परेशान होकर लौट गया। अब ये जो राइट साइड पे सीढ़ियाँ हैं ऊपर वाली, उन्हीं सीढ़ियों से ही मेरे तरफ पहुँच सकते हैं, उसके अलावा और कोई जगह ही नहीं है मेरे पास आने के लिए, तो उन्हीं सीढ़ियों पर बस अब आपको ध्यान रखना है। कोई भी बंदा, कोई भी ज़ॉम्बी अगर आएगा तो उन्हीं सीढ़ियों के पास से आएगा, उन्हीं सीढ़ियों से होता आएगा। अब जैसे आया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो वापस बी ऊपर हम चढ़ सकते हैं, और अगर बी पे आपको डाउट है कोई और ज़ॉम्बी है तो फिर आप सेकंड स्टेयर्स ले सकते हो जो ए की तरफ जाएंगी ऊपर से जंप करके। अब हम फिर आ गए हैं और ये फिर थक चुके हैं बुरी तरह, अब ये दौड़ दौड़ के परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई तो कोशिश करेगा दोबारा उन सीढ़ियों से वापस आने की।
ये देखो ये आया, ये इस तरफ से कूदना चाह रहा था, लेकिन आपको पता ही है कि दो ही जगह है जहाँ से कोई आ सकता है, या तो लेफ्ट वाला इस बिल्डिंग या तो राइट वाला वो प्लेटफॉर्म। ये लेफ्ट साइड आया तो हमने इसे यहाँ से फिनिश कर दिया। बस उन स्टेयर्स को देखते रहो सामने, जिन स्टेयर्स से ज़ॉम्बी आते हैं। एक और आया, इसको रोकने की कोशिश ही करनी है, क्योंकि आ गया तो फिर आपको निकलना होगा यहाँ से, ये लोकेशन सेफ नहीं रह जाएगी। अब ये आ गया तो हम निकल लिए। देखो वहीं से आ रहा, पहले ही पता चल जाएगा आपको गाइस, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही आएंगे आपको पता चल जाएगा। आपको सिर्फ उनकी तरफ एम रखना है और उन्हें आने से रोकना है। इन्हें जितना डैमेज दे सकते हो देते रहो और फिर निकल लो यहाँ से। इस बार हम स्टेयर से जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने प्लेटफॉर्म लिया था बी वाला। अब यहाँ से हमारे पास फिर दो ऑप्शन है, बट हमने ए वाला चूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ से हम दोबारा से रोटेट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं हर जगह। फिर से हम यहाँ अपने पॉइंट लेंगे। तो वैंक्विशर्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं? बी प्लेटफॉर्म से वैंक्विशर इस तरफ कूद सकता है, क्योंकि वो कूदना भी चाहेंगे तो उन्हें देर लगेगी। अभी पीछे से आ गया तो वैंक्विशर की हेल्थ ज़्यादा होती है, अब हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यही कोशिश करनी है कि इन्हें जितना डैमेज दोबारा दे सकते हैं दें, क्योंकि ये 2-3 शॉट में तो मर जाते हैं। ज़ॉम्बी किंग से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। अब देखो, क्योंकि यहाँ दो दो ज़ॉम्बी किंग आ गए हैं, तो अब हमें अपनी वही वाला प्लान कंटिन्यू करना होगा। हमें इन वॉल्स के आसपास रहना है, इस डोर के अंदर बाहर घूमते रहना है, क्योंकि यहीं ये आपस में फंस जाएंगे, क्योंकि ये लड़ते रहेंगे हमें मारने के लिए, ये खुद ही फंसेंगे। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जैसे ही गेट से निकले वैसे ही मारो, क्योंकि इस गेट का यही एडवांटेज है, आपको चारों तरफ से अटैक नहीं किया जा सकता। अब ये स्टेयर्स भी बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इस पे भी आपको सिर्फ दो ही ज़ॉम्बी मार सकते हैं, या तो ऊपर से या नीचे से। अब ये ही गाइस वो एकमात्र पॉइंट है, अगर जोन आपकी लकी रही, जो कि ऑलमोस्ट हर बार रहती है, बहुत कम ऐसा होता है कि जो ना रहे, इस जोन में आपको सिर्फ पीछे इन बॉक्सेस के बराबर में बैठ जाना है। अभी जो लेफ्ट वाला बॉक्स है जो बिल्कुल लेटा हुआ है, इस बॉक्स के ही साथ रहना है आपको, यही पहचान है। राइट साइड से कोई भी ज़ॉम्बी आप पर अटैक कर नहीं सकता, कोई भी अगर राइट साइड से अटैक करेगा तो उसे कूद के ही आपको क्लॉ मारना होगा। लेफ्ट साइड से ज़ॉम्बी आएंगे और आपकी स्वॉर्ड भी लेफ्ट साइड ही डैमेज देगी, राइट साइड आप डैमेज नहीं दे पाओगे। ये देखो, लेफ्ट साइड ही अपना फोकस रखो, लेकिन अगर कोई भी ऊपर चढ़ता है इन बॉक्सेस के, तो आपको फटाफट खड़े होकर उसे हिट देनी है, ताकि वो डर के पीछे हटे। बस यही बेसिक रूट है गाइस, आपको बस यही माइंड में रखना है, बस थोड़ा सा स्मार्ट रहना, कोई ज़ॉम्बी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर आप हर गेम जीतोगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट टिप्स ट्रिक्स वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गेमर्स।